बेटा ये असाइनमेंट नंबर टू है स्ट्रेट लाइंस का देखो ये सब फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट टू फाइव एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन और दो लाइंस दिया है मतलब दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पहले फाइंड आउट करना है और आपको पता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं डी डी एक्स और डी वाई से जैसे क्रैमर्सूल है बस वैसे ही बेटा वो सॉल्व करना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा और दूसरा पॉइंट ऑलरेडी दिया है टू फाइव तो बाय टू पॉइंट फार्मूला आप लोग ये इक्वेशन ऑफ लाइन सॉल्व कर सकते हैं जैसे इधर दिया है देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया थ्री कॉमा माइनस थ्री और दूसरा पॉइंट ऑलरेडी दिया है टू फाइव तो टू पॉइंट फार्मूला आपको पता है वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इज इक डू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू ऐसे वो सिंप्लीफाई करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी फॉर्मेट में और फिर बेटा आपका आंसर वैसे आ जाता है ठीक है ये बेटा आपका आगे का सम है एग्जाम्पल नंबर थर्टीन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और दो लाइन दिया है एंड पैरल टू द लाइन फाइव एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू थ्री तो अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा फाइंड आउट करना है डी डी एक्स और डी वाई से तो एक्स और वाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा फिर ये लाइन बेटा दूसरे दूसरे लाइन को बेटा पैरल है तो आपको पता है दो लाइन जब एक दूसरे को पैरल होते हैं तो उनका स्लोप सेम होता है तो जो गिवन लाइन है उसका स्लोप फाइंड आउट कर लो माइनस से बी से उसे आप एम वन नाम दे सकते हो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप एम टू होगा एम वन इज इक्वल टू एम टू होगा तो फिर एम टू का भी स्लोप मिल जाएगा फिर स्लोप पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है मतलब स्लोप पता है पॉइंट पता है स्लोप पॉइंट फॉर्म से बेटा आपको आंसर उसका सॉल्व करना है आगे का सम मैं जो बता रहा हूँ आगे का सम है आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ़ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ये लाइन बेटा परपेंडिकुलर है अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लोग सॉल्व करो और एक्स वाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा फिर ये रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन को परपेंडिकुलर जैसे डायग्राम में बताया है आपको पता है दो लाइन का स्लोप जब परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप में होता है रिलेशन एम वन डॉट एम टू जिको टू माइनस वन तो एम टू जीको टू माइनस वन अपॉन एम वन मिल जाएगा तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मिल जाएगा फिर स्लोप पता है पॉइंट पता है स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप लोग बेटा आंसर उसका सॉल्व कर सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में एग्जांपल नंबर फिफ्टीन भी वैसे ही है एक जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है तो सेम तरीके से अगेन आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है एम वन डॉट एम टू इज इक्वल टू माइनस वन से जैसे आपको ये आगे के डायग्राम में आपको दिख रहा है तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी आपको मिल जाएगा तो स्लोप पता है पॉइंट पता है स्लोप पता है पॉइंट पता है स्लोप पॉइंट फॉर्म से बेटा आप लोग आंसर इसका सॉल्व कर सकते हो सिम्प्लीफाई करना है उसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में रीजन बेटा सब पार्ट्स के आपको देने हैं इतना आप लोगों ने याद रखना है एग्जाम्पल नंबर एटीन जो दिख रहा है देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द पॉइंट वन सेवन एंड मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट मतलब मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ ज्वाइनिंग ए एंड बी ए और बी लाइन दिया है उसके मिड पॉइंट से जा रहा है तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एंड वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू से तो वो मिड पॉइंट आपने बेटा फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड लाइन का और एक पॉइंट भी दिया है तो हमें दो पॉइंट मिल जाएंगे तो भाई दो पॉइंट फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा सॉल्व कर सकते हैं ठीक है थीके? आगे का सम दिया आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स फोर एट एंड माइनस टू सिक्स ए और बी ये एक लाइन ज्वाइन कर रहा है फाइंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग तो हमें इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर मतलब वो परपेंडिकुलर भी है बेटा और बायसेक्टर भी है तो आपको सबसे पहले बाईसेक्टर का मतलब बाईसेक मतलब दो पॉइंट मतलब पी पॉइंट आपको मिल जाएगा मिड पॉइंट फार्मूले से तो उसका पॉइंट मिल जाएगा परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे को वो परपेंडिकुलर है तो रिक्वायर्ड लाइन का आपको स्लोप भी बेटा मिल जाएगा तो स्लोप पता है और वो पॉइंट पता है पी स्लोप पता है पॉइंट पता है स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप लोग उसे सॉल्व कर सकते और बेटा ये लास्ट सम वैसे ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए और बी दिया है तो अगेन पी पॉइंट आपको मिड पॉइंट फॉर्मूले से मिल जाएगा फिर गिवन लाइन एंड रिक्वायर्ड लाइन मतलब ए बी लाइन एंड एल दैट इज़ द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर तो एल का मुझे स्लोप मिल जाएगा एम वन डॉट एम टू इज टू माइनस वन से तो आपको ए बी का स्लोप फाइंड आउट करो फिर ये दोनों में रिलेशन माइनस वन का रहेगा तो फिर आपको रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप मिल जाएगा तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप पता है पॉइंट पता है स्लोप पता है पॉइंट पता है स्लोप पॉइंट फॉर्म से बेटा आप लोग इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन और उसे सिंप्लीफाई करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ईजी असाइनमेंट है एक बार सॉल्व करो और पेपर दो थैंक यू ऑल द बेस्ट